सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ CGTET के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है CGTET रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म डेट्स एलिजिबिलिटी एंड सिलेबस एंड रिजल्ट। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। सो यहाँ पर सब कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज CGTET या फिर इसके हाईलाइट्स, एग्जाम डेट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, सेंटर पैटर्न, मतलब इन सब में से किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, आप अपने पेज में पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए व्हाट इज CGTET, CGTET क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, उसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है। फिर आते हैं हाईलाइट्स, जैसे कि नेम ऑफ द एग्ज़ाम, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेवल, फ्रिक्वेंसी, बहुत सारे यहाँ पर दिया गया हाईलाइट्स में। फिर अब आते हैं नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन होता है कि आपको नोटिफिकेशन PDF किस तरह से डाउनलोड करना रहता है, उन सब के प्रोसेस यहाँ पे दी गई हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उन सब के बारे में भी है यहाँ पर। फिर आते एग्जाम डेट, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन गया, फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है और नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 16 अगस्त को, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ 23 अगस्त को, इसका लास्ट डेट है 6 सितंबर। फिर एप्लीकेशन फीस का भी ऑप्शन लास्ट में 6 सितंबर है यहाँ पर सितंबर। फिर एप्लीकेशन करेक्शन डेट्स है 7 टू 9 सितंबर। एडमिट कार्ड जो है वो 12 सितंबर को रिलीज होगा और एग्ज़ाम डेट आपको 18 सितंबर से रहेगा। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि उसका अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं तो भी आप इसका अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर आपको जो एज लिमिट है वो 18 से कम ही होनी चाहिए, और आप 18 से ज़्यादा हैं तो फिर आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप 18 से कम है तो फिर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप डिग्री, डिप्लोमा ये सब कम्प्लीट आपको, तभी आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना रहता है, उन सब की प्रोसेस यहाँ पे दी गई है स्टेप बाय स्टेप। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती है, जैसे कि जनरल के लिए यहाँ पे दिया गया 350 है और OBC के लिए यहाँ पर 250 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 200 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 200 है, एंड PWD के लिए भी 200 है। ये पेपर 1 और 2 के लिए थे, और फिर यहाँ पर पेपर एंड पेपर सेकेंड के लिए यहाँ पर 2 के लिए। एडमिट कार्ड एग्जाम के 10-15 डेज पहले आती हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं किस तरह से चेक करना, उन सब की प्रोसेस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम आते हैं सेंटर, आपको एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी जा सकता है, जैसे बिलासपुर है, दुर्ग है, फिर है बीजापुर है, रायगढ़ है, रायपुर है, मतलब कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है। फिर हम आते एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न होता है आपको कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, फिर लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, फिर इंग्लिश एंड उर्दू संस्कृत के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स है, फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल आपका 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स। फिर यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू दिया गया, मतलब किस तरह से इंटरव्यू होता है, उन सब के बारे में यहाँ पे। फिर सिलेबस आपको क्या क्या स्टडी करनी है, जैसे कि है यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, मैथमेटिक्स एंड साइंस है, बहुत सारे यहाँ पे सिलेबस दी गई। फिर किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया, और यहाँ पे बुक्स एंड पब्लिशर का नेम दिया गया है। फिर अब हम रिजल्ट, रिजल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आते हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना रहता है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहता है, क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप अपना रिजल्ट जो है वो देख सकेंगे, और अगर आपने अपना रिजल्ट देख लिया है तो फिर आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर आते हैं यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स पे, जैसे कि
अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होते हैं। जैसे जनरल के लिए यहाँ पे दिया गया है और मिनिमम मार्क्स जो है 90 करेक्ट क्वेश्चंस मिनिमम के लिए रहता है। यहाँ पर 60% परसेंटेज तो आना ही चाहिए। अगर आपका 60 से कम आया तो फिर आप इसमें अप्लाई मतलब सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर आंसर की किस तरह से चेक करना सबके बारे में हम प्रोसेस दी गई हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप प्रीलिम एग्जाम, मेन एग्जाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब में अगर आप पास हो गए हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पर सैलरी दी गई है, अलग अलग पोस्ट की अलग अलग सैलरीज होती हैं। और अगर आप इसमें अप्लाई किया तो आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं, तो फिर आपका इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहता है, क्या क्या वर्क रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे है। सो यहाँ पे कुछ एफएक्यूज क्वेश्चन दिए गए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।